Assalamu alaikum everyone, welcome to new English lesson. In this lesson, we are going to learn the meaning of grasp. It was requested by Ashutosh Pandey, and Ashutosh, here's your lesson. Grasp is a verb and it has three different meanings. To hold something firmly, to take advantage of an opportunity, to understand something. Let me explain the first meaning. To hold something firmly. अच्छा याद रखिएगा grasp जो है वो verb के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और noun के तौर पर भी इस्तेमाल होता है ठीक है तो इसका जो पहला मतलब है to hold something firmly किसी चीज को मजबूती से पकड़ना ठीक है आपने किसी भी चीज को अगर हाथ से मजबूती से पकड़ा है तो इसका मतलब है कि आपने उस चीज को grasp किया है फॉर एग्जाम्पल आप किसी का हाथ जो है वो मजबूती से पकड़ते हैं तो आपने उसके हाथ को grasp किया है ठीक है इसी तरह से अगर टेबल के ऊपर कोई पानी का ग्लास पड़ा हुआ है तो आपने उस पानी के ग्लास को मजबूती से पकड़ा या उसको पकड़ा ठीक है तो आपने उस जो ग्लास को grasp किया है ठीक है इसका सेकंड मीनिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई और आपने फौरन उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया फौरन उसका एडवांटेज लिया ठीक है तो इसका मतलब है कि आपने उस अपॉर्चुनिटी को grasp किया है फॉर एग्जाम्पल कोई इन्वेस्टमेंट प्लान आपके सामने आया और आपने फौरन उस अपॉर्चुनिटी का जो है ना फायदा उठाया और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसका आपको फायदा हुआ बाद में तो इसका मतलब कि आपने उस अपॉर्चुनिटी को grasp किया है इसी तरह से जैसे कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आती है और आपने फौरन इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया और आपने अप्लाई कर दिया उस जॉब के लिए और इंटरव्यू के लिए अपेयर हो गए इसका मतलब है कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को फौरन से ग्रैस्प किया उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया ठीक है थर्ड मीनिंग टू अंडरस्टैंड समथिंग किसी भी चीज को समझ पाना उस समझने को भी आप कह सकते हैं कि मैंने इस चीज को ग्रैस्प कर लिया है जैसे कि अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं और लेक्चर हो रहा है और अगर आपको वो लेक्चर समझ में आ गया है तो आप कहेंगे कि आज का लेक्चर मैं टोटली ग्रैस्प कर पाया हूँ और अगर नहीं आया है तो आप कह सकते हैं कि आई कुडंट ग्रैस्प द लेक्चर कि मुझे लेक्चर समझ में नहीं आया तो किसी भी चीज को समझ पाना इट मीन्स कि आपने उसको ग्रैस्प कर लिया है ठीक है आई होप कि आपको ग्रैस्प का मतलब समझ में आ गया होगा लेट्स सी सम एग्जांपल्स अब फर्स्ट एग्जांपल इज शी ग्रैस्प्ड द कप ऑफ टी एंड टुक अ सिप कि उसने जो है ना जो चाय का कप था उसको पकड़ा और एक सिप लिया ठीक है कि उसमें से एक घूंट पिया अ सेकंड एग्जांपल इज गो एंड ग्रैस्प द अपॉर्चुनिटी ऑफ टॉकिंग टू हर कि जाओ और उससे बात करने की जो अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैस्प कर लो कि इसको फौरन से अवेल कर लो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लो फौरन से इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लो ठीक है अ थर्ड एग्जांपल इज आई कुडंट ग्रैस्प व्हाट शी वाज सेइंग कि मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रही थी ठीक है तो तीनों मीनिंग में मैंने इन तीनों सेंटेंसेस में आपको समझा दिया है Okay friends, this brings me to the end of this lesson. If you found this lesson useful, then share this video, subscribe to my channel, and I'll see you next lesson. Allah Hafiz.